हेलो हेलो, अस्सलाम वाला मन इकबाल होदा। भाई, तो खान बोलो। हाँ अंसारी टीटीएस साहब, किसी इल्मी टॉपिक पे उसूल की रोशनी में आप बात करना पसंद करेंगे? तो बोलिए आप। मैंने कुछ हदीस पढ़ी थी, आप भाई, उसके तरफ हमें ये जानना है कि हनफी औरतों को आप मस्जिदों में जाने से क्यों रोकते हैं? तो आपके मस्जिद में पहले एक बात सुनो। टॉपिक तुम्हारा ताबीज के ऊपर, शर्क के ऊपर था, उस पर बात करो, उससे बाद में भाई, उस करना है। पे बात नहीं करनी है भाई। हेलो, नहीं तो क्यों नहीं करनी है? अब क्यों करनी है? शर्क में जब भाई भलाई होती है तो फिर बात पे हो। देखिए, हैं? जिस पे हेलो, आपके पास किस बात दलील ही हेलो नहीं है, जब आपको कुछ पता ही नहीं है, तो उस टॉपिक पे क्या बात करें? हजरत, हाँ, कौन? मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप कौन से टॉपिक पे बात करना चाहते हैं? भाई, जिस टॉपिक पे आपको महारत हासिल हो, जिस पे आपको पूरी पक्का एकदम इल्म हो, उसके ऊपर आप बात कीजिए। आप बताइए, आप मुझसे मत पूछिए। भाई, आपकी मर्जी जनाबे आला, आप हमारे भाई हैं, आप जो बताएंगे आपकी उसी मर्जी पे हम बात बंदा, करने के आपकी लिए चालू हो मर्जी बंदा। जाएंगे। भाई लेकिन ना इधर उधर ना भागा बिल्कुल भी। भाई, एक लाइन पे बात करना है, जो करना है वो बताइए। कौन सी लाइन पे बात करना है, किस टॉपिक पे बात करना है आपको? नहीं, मुझे इतना जानना था कि भाई, आप लोग अपनी हनफी औरतों को मस्जिदों में आने से भाई काहे के लिए रोकते हो? उसूल की रोशनी में बात होगी। 1 मिनट आप बोलेंगे, 1 मिनट हम बोलेंगे। आपका टाइम स्टार्ट सुन होता है। रहा हूँ, आप नहीं आपकी सुन रहा हूँ मैं, बताइए। नहीं, मेरा खाली एक टॉपिक है आज का, कि हमारे हनफी मुकल्लिद भाई अपनी हनफी औरतों को अल्लाह का घर मस्जिद में जाने से भाई वो काहे के लिए रोकते हैं। अच्छा, हंसी लोग मस्जिद में इसलिए रोकते हैं कि फितना फसाद ना हो। बोलना सर, अब बोलते हैं, टाइम शुरू होता है। गुगु खान, फितना अच्छा, हम बोले फसाद की वजह से रोकते हैं नहीं, केवल। ये फितना फसाद मतलब भाई कहाँ पे इतना हो रहा है, आप उस मतलब एरिया का नाम बताइए। अच्छा, अगर आपकी बहन मेरे बराबर में खड़ी हो तो मैं क्या सोचूंगा? नहीं तो क्या औरतें अल्लाह के नबी के दौर में जब जाती थी नमाज पढ़ने, तो क्या वो सहाबा से कंधा मिला के भाई वो नमाज पढ़ती थी? पहले आप ये बताइए, अगर आपकी बहन मेरे बराबर में खड़ी हो तो मैं क्या सोचूंगा? भाई देखिए, ये तो आपकी मेरे भाई बदतमीजी एक सहाबा हो के गई। दौर भाई में आप थे, सहाबा के दौर में अगर हम अगर होते तो हम भी होते ना सहाबी। साहबा के दौर में आप थे, तो अगर सहाबी के दौर में होते तो हम सहाबी होते ना। इधर उधर की बात मत करिए, जो बात कर रहा हूँ वही करते रहो बस। तो वही तो मैं आपसे फर्क कह रहा हूँ होगा ना, कि अल्लाह के साहबा नबी के दौर में औरतें मस्जिद जाती थी नमाज पढ़ने, और अल्लाह के नबी इमाम बनते थे, इमाम के पीछे सहाबा होते थे, सहाबा के पीछे बच्चे होते थे, के। हाँ, उनके पीछे औरतें होती थी सहाबिया। तो ये आपने कयास कहाँ से कर लिया कि कंधे से आपकी आवाज कंधा थोड़ा मिला के दबाओ। औरत और मर्द भाई को नमाज पढ़ेगी? ये आपको भाई किस जाहिल ने बताया? अरे कट रही है यार, आवाज नहीं आ रही। यूसुफ आवाज भाई, आ रही है? साफ आ रही आवाज है बहुत कट आपकी? रही आ रही आ रही आवाज, बोलिए। तो मैं ये कह रहा भाई हूँ मैं कि डर क्या कर औरतों रहा का खाली मस्जिद में जाना ही फितना है? मजारों पे, दरगाहों पे, स्कूल में, कॉलेज में, कोचिंग में, जॉब में, शादी में, ब्याह में, बारात में, बाजार मैं में, लगा रहा हूँ, मार्केट सिर्फ में, मैं लगा रहा हूँ, वहां कहीं जाना मैं लगा फितना रहा हूँ। नहीं है? देखो, सिर्फ मस्जिद में अगर वो आके नमाज अदा कर लेगी तो फितना है। हाँ आप ये कह रहे हैं वो कॉलेजों में जा रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। अगर औरतों का घर से बाहर जाना आना पूरी तरीके से बैंड हो, माशरे में इतना फितना हो कि औरतों का ना तो स्कूल जाना पॉसिबल हो, ना कॉलेज, ना बाजार, ना मेला, ना ठेला, ना दरगाह, तब हम कहेंगे कि हाँ भैया, औरतें लोग मस्जिद में भी ना जाएं। लेकिन औरतें सारी जगह आ जा रही हैं, सिर्फ मस्जिद में ही सारे फितना है। यानी कि मतलब भाई, जितने चोर, चमार, डाकू सब लोग हैं, वो आपकी मेरे भैया जो
अरे यार मस्जिद है उसमें आ गए हैं। आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। अरे रुकिए अरे बोलो ना भाई। अरे रुकिए मतलब भाई ये जो हनफी लोग हैं उनकी मस्जिदों में सारे चोर चमार रेपिस्ट बलात्कारी मेरे भैया इतने लोग आते हैं नमाज पढ़ने जो औरतों के लिए खाली मस्जिद के अंदर आना फितना है बाकी जगह भाई वो जाना फितना नहीं है। और ये किट जाहिल ने आपको परमिशन दी कि आप औरतों को मस्जिद में आने से रोकें जबकि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम्हारी बीवी रात को भी अगर जाना चाहे मस्जिद रात को भी तो भी उसको ना रोको। और आप लोग अपनी अक्ल से कयास करके कि नहीं फितना है तो औरतें मस्जिद में ना आए आपने अपनी औरतों के अधिकार मारे हुकूक मारे। अरे कहाँ भाग गए भाई औरतों को मस्जिद में जाने से ना रोकिए इसीलिए आपकी औरतें मेरे भाई इस दीन इस्लाम से दूर हो रही हैं। जब मस्जिद वो जाएंगी नहीं तो भाई वो दीन कहाँ से सीखेंगी। मजारों पे दरगाहों पे तो बराबर अपने वहाँ की औरतों को लेके जाएंगे लेकिन मस्जिद में अगर वो चली जाएंगी तो कितना हो जाएगा तो सारे चोर और डाकू सब मेरे भाई मतलब जितने कमीने टाइप के लोग हैं वो सब आपकी मस्जिद में आ गए हैं। अगर कोई मस्जिद में हमारी औरतों को छेड़ रहा है परेशान कर रहा है तो हम उसको पटक के मारेंगे ना लेकिन उस फितने के डर से हम शरीयत ना चेंज कर देंगे। भाई जमात के साथ जो नमाज पढ़ने का सवाब है वो भाई वो बहुत ज्यादा है। आप अपने वहाँ की औरतों को जमात के साथ भाई नमाज पढ़ने से रोकते हैं यानी कि उनके सवाब को आप भाई चोरी कर रहे हैं मार रहे हैं शर्म आनी चाहिए आपको। चलिए भाई हमको लगता है कि आपके उस्ताद कहीं भाग गए हैं ठीक है जब वो आ जाए वापस तो हमको फिर से फोन कर दीजिएगा मैं चला खाना खाने ठीक। अस्सलामु अला मन इत्तबा अल हुदा।